गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है वो है हॉल वीडियो। तो अभी आपको पता ही होगा, ऑनलाइन हर जगह बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, सेल चलती ही रहती है। अभी पर्पल पे सारे प्रोडक्ट्स पे 40-50% ऑफ चल रहा है, तो बहुत अच्छी डील में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने की है थोड़ी सी शॉपिंग, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या परचेस किया है। तो मैंने पर्पल से थोड़ा बहुत सामान मंगाया है, तो वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको आपको प्रेस करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने मंगवाए हुए हैं ये कुछ काजल्स, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काजल यूज़ करती हूँ। काजल और लिपस्टिक के अलावा ज़्यादा कुछ यूज़ करती नहीं हूँ। सबसे पहले ये स्टैकवर्की का काजल, जिसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा मंगवाया। और इन सब के जो प्राइस हैं और आफ्टर डिस्काउंट जो जितने प्राइस में मुझे मिला है वो सारा मैं मेंशन कर दूँगी। तो एक ये है, इसका मुझे पता है, ये 125 रुपीस का आता है और मुझे 75 रुपीस में मिला। फिर दूसरा जो काजल है वो बेला वोस्टे का काजल है, ये 149 रुपीज़ का है, जो कि 89 रुपीज़ में मिला। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, तो इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी कि ये कैसा काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट काजल है वो है एन वाई वे का काजल, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, लॉन्ग आई लेंथ। सो एक ये मंगवाया हुआ है, और एक और एन वाई वे का द बिग एप्पल ऑफ माई आई, ये वाला काजल है। मतलब ओपन भी नहीं किया मैंने अभी तक इसको, कोई भी प्रोडक्ट्स ओपन नहीं किए, और इसके ऊपर भी अभी ये पैक्ड है अभी भी। तो एक ये मंगवाया हुआ है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एन वाई वे का ये फाउंडेशन, और इसको आप एज अ कंसीलर, कॉन्टोरिंग और करेक्टर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, और एक और करेक्टर मंगवाया हुआ है, ये भी एन वाई वे का करेक्टर है। देखिए, जैसे जो पिंपल के स्पॉट्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो भी शेड है वो मैं मेंशन कर दूंगी सब कुछ। और एक ये है, सो ये भी मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया हुआ है, देखती हूँ कैसा काम करता है ये भी। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं स्टेकवर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, एन वाई वे का भी मैंने यूज़ किया है, पर पर्पल का मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो पता चलेगा यूज़ करने के बाद कि कैसा काम करता है ये। तो ये है। इसके बाद जो मैंने मंगवाया, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एन वाई वे का मेकअप फिक्सर। तो ये है, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। मैं मेकअप फिक्सर के लिए हमेशा DIY करके खुद बनाती हूँ मेकअप फिक्सर, वही लगाया है। एक दो बार और मार्केट वाली यूज़ किए हैं, नहीं तो ये तो मैं पहली बार ही यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये चार गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंसिंग शार जेल। तो ये मेरे सबसे काम की चीज़ है, इसलिए मैंने बड़ा पैक मंगवाया है। तो सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एन वाई वे का लिप ग्लॉस टाइप का है। सो ये देखिए शेड कितना प्यारा है, ओपन करके बताती हूँ, बहुत प्यारा इसका कलर है। खुशबू भी बहुत अच्छी है, और ये ऐसे शाइन देता है। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एन वाई वे का ये आईलाइनर। तो ये देखिए, ये ब्लैक कलर में है, और इसका पकड़ने से ही लग रहा है कि इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये था, इसमें भी दो तीन सारे कलर्स अवेलेबल हैं जो आते हैं ना, ब्लू, ग्रीन और मरून, ब्राउन, सारे शेड्स अवेलेबल थे, पर मुझे लाइनर ब्लैक कलर में ही अच्छा लगता है। मैं कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, शायद से एक दो बार ट्राई किया ब्लू कलर का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है।
तो ये था। इसके बाद ये है मोडा का आई पैलेट। सो इसके जो कलर्स हैं वो देखिए, ये सारे कलर्स हैं। तो इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, इसके भी रिव्यूज़ ज़रूर करूँगी कि ये कैसा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने बहुत छोटे छोटे पैक मंगवाए हुए हैं। रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी गुड वाइब्स के बहुत सारे जेल्स यूज़ कर चुकी हूँ, तो फिर समझ नहीं आता है कौन सा अच्छा काम कर रहा है कौन सा नहीं। एक टाइम पे आप एक ही यूज़ कर सकते हो, और बड़े पैक बहुत दिनों तक चलते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे पैक मंगवाए हैं। तो बड़े दिनों से मेरा मन था पपाया जेल यूज़ करने का, तो ये है गुड वाइब्स का पपाया जेल। अगर जो भी जेल्स अच्छे होंगे तो मैं उनका रिव्यू तो करूँगी ही, साथ ही साथ बड़े पैक भी मंगवाऊँगी। तो ये है पपाया जेल। इसके बाद ये है ग्रीन टी का फेस वॉश। तो वो इतना छोटा इसलिए मंगवाया है क्योंकि मैं प्लम का जो ग्रीन टी वाला रेंज वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो यूज़ कर चुकी हूँ, वो मुझे सूट नहीं करते हैं, तो मुझे देखना था ये मुझे सूट करेगा कि नहीं, तो इसलिए ये छोटू सा मंगवाया हुआ है। और इसके बाद है ये गुड वाइब्स के चारकोल फेस वॉश स्क्रब एंड पैक। तो इससे मैं अपना क्लीन अप कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। और मैंने चारकोल के भी प्रोडक्ट्स पैक वगैरह यूज़ नहीं किए थे, इसलिए ये मंगवा लिए हैं। और फिर जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कैलेंडुला जेल। सो ये कैलेंडुला जो होता है वो एक फूल का नाम है जो कि बहुत सारे क्रीम्स में यूज़ होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये भी प्रोडक्ट मंगाया है। इसके बाद ये है NYV का नेल पेंट जो कि पिंक कलर, बहुत ही प्यारा पिंक है। और ये है आई एम्स्टर्डम का ये मैट नेल पेंट जिसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये जैसे वेलवेट रेड कलर होता है ना उस टाइप। तो ये था मेरा आज का हॉल वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।